हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का एकलव्य बैच में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बात होने वाली है हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 से। क्या है लेक्चर नंबर 3? आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल रिएक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिए जरा, एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर। जब भी आप अल्काइल हैलाइड के फिजिकल प्रॉपर्टी से डील करेंगे, इस बात का हमेशा याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए, कि जब भी आप फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जा रहा है आपके लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जिसके पास ज्यादा कार्बन है, मोर नंबर ऑफ चेन या फिर मोर नंबर ऑफ कार्बन चेन, ध्यान देना जरा, मोर नंबर ऑफ कार्बन चेन, इट मीन्स मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो रहा है। ये बहुत जगह पे आपको एमसीक्यू में मिलेगा। बहुत सारे अल्काइल हैलाइड देंगे, बोलेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका कम है, ये आपको वहीं से पता चलने वाला है जब आप दिमाग चलाएंगे कि जिसके पास ज्यादा कार्बन चेन होगा वही क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दिखाएगा। चलो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कि आइसोमेरिक केस में, आइसोमेरिक में क्या होता है, मोर विल बी द ब्रांच लेस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। ये सेट कर लो माइंड में। यहां पे हम बोर्ड के थ्योरी से डील नहीं कर रहे हैं, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट से डील कर रहे हैं। क्या क्या आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास कार्बन चेन ज्यादा हो गया है तो याद रखना कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला है। बट अगर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड ले रहे हो जहां पे आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सेम नंबर ऑफ हैलाइड है, तब आपको देखना है कि क्या वो चेन ब्रांच है या फिर स्ट्रेट चेन है। अगर ब्रांच होगा तो याद रखना है कि मोर विल बी द ब्रांच लेस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ये भी अच्छा पॉइंट होगा आपके लिए, कि जब आप अल्काइल हैलाइड लिखते हो तो अल्काइल हैलाइड में जनरली आर डैश एक्स होता है, जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि R जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लगातार किसको दे रहा है, X को देता है। मतलब ये बन जाता है पार्शियल पॉजिटिव, ये बन जाता है पार्शियल नेगेटिव। इसके इस नेचर को हम बोलते हैं कि ये पोलैरिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? पोलैरिटी दिखाता है। और पोलैरिटी बहुत से लोग नहीं दिखाते हैं, पोलैरिटी सब नहीं दिखाते, लाइक अल्केन पोलैरिटी नहीं दिखाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्काइल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन के कंपेयर में ज्यादा होने वाला है। तो अल्काइल हैलाइड हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्केन। लेकिन अल्काइल हैलाइड को अगर मैं कंपेयर करूं अल्कोहल से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो उनके कंपेयर में अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्योंकि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में पोलैरिटी तो होती है, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, और अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। लोअर मेंबर ऑफ जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो जनरली आपको गैसेस फॉर्म में मिलेंगे, वोलाटाइल लिक्विड होंगे कुछ, जो आगे आप जाएंगे थोड़े से जब ज्यादा कार्बन वाले लेंगे, और उसके बाद जो होते हैं कि आपको सॉलिड मिलते हैं। ये जनरली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको अभी अभी दिया है। आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने है। Yes, तो नया कंटेंट चालू होने वाला है आपके लिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखिए इस लेक्चर में कुछ बैकग्राउंड नॉइजेस आ रहे हैं नो डाउट, लेकिन अगर आप अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा कम रखेंगे और हेडफोन का यूज करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कोई तकलीफ हो जाएगी, और मैं इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने का ट्राई भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है ये आज का। हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड? बहुत सिंपल है। चलो मैं नंबर फर्स्ट ले रहा हूं आपके लिए, एक्शन ऑफ एक्वस के ओ एच या फिर एन ए ओ एच। अगर मैं अल्काइल हैलाइड में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH या फिर NOH मिलाऊंगा तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ये RX है, इसमें मैंने क्या मिला दिया, KOH मिला दिया, तब आपको दिखाई देगा यहाँ से K प्लस है, X माइनस है, KX बाहर जाएगा, आंसर बन जाएगा ROH, जिसे हम अल्कोहल बोलने वाले हैं। अब इसका जो इन्फॉर्मेशन है याद रखना, इसका जो इन्फॉर्मेशन हम SN1 SN2 मैकेनिज्म में, मतलब आने वाले लेक्चर में सीखने वाले हैं कि SN1 SN2 मैकेनिज्म को कौन फॉलो करेगा। मतलब RH तो दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, इस तरह से। इसी तरह से KOH भी हमारा दो तरह से हो सकता है, मतलब ये जो होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में भी काम कर सकता है, वीक न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में भी काम करेगा, प्रोवाइडेड दैट कि मैं कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं। ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट और प्रोटिक सॉल्वेंट, ये सारी चीजें मैं आने वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। आज के लेक्चर में सिर्फ हम केमिकल रिएक्शन में फोकस करेंगे,
जो इसका मैकेनिज्म है एसएन1 एसएन2 का आने वाले लेक्चर में होने वाला है, ठीक है। तो आने वाला लेक्चर मोस्ट ऑफ आपको जो हैलोजन डेरिवेटिव होगा उसको मैं खत्म कर दूंगा। आर एक्स में KOH मिलाया, के एक्स बाहर गया, आर ओ एच बन गया अल्कोहल, और अगर मैं इसी आर एक्स में एन ए ओ एच ले लेता हूँ, एक्वस सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एल्कोहलिक लेते हो तो याद रखना ये अल्किन बन जाएगा, यही तो आपके लिए समझना है यहाँ पे। अगर मैं एन ए एक्स को हटा दूँ तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा आसानी से अल्कोहल, ये भी अल्कोहल बन गया, ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन आपका हो चुका है। सेकंड जो होता है, बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है, बहुत से लोग कन्फ्यूजन आना सर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है। आपको बता दो मॉइस्ट का मतलब है मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब पानी, और सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला आपके सामने है Ag2O। तो अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 2AgOH मिल जाएगा। इसका मतलब कि AgOH का रिएक्शन जो है मुझे RX में करना है, आप देख सकते हो बाहर क्या जाएगा, AgX बाहर जाएगा और आंसर क्या बन जाएगा अल्कोहल। बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में आता है कि एक्शन ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डैश, तो उस डैश पे अल्कोहल टिक मार्क करके आना। अगर अल्कोहल हैलाइड में मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल बनता हुआ नजर आएगा। कोई डाउट है किसी को तो बोलना मुझे, कंफर्म। चलो देख लो जल्दी से यहां तक, अब लेके चलता हूं नंबर थर्ड रिएक्शन की तरफ, तो रेडी हो जाइए नंबर थर्ड रिएक्शन को सीखने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। चलिए, तो जो नंबर थर्ड रिएक्शन होने वाला है वो भी काफी इजी है। आर एक्स में मैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाने वाला हूं, तो थोड़ा सा बेसिक जरा बता दो आपको मैं कि ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। अगर किसी ने बोला कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है जरा देख लेते हैं। पहले अगर मैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं, इसका मतलब मैं बात करने वाला हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और इस एच की जगह पे मैं लेकर आ जाऊंगा सिल्वर, सिल्वर का फॉर्मूला Ag, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिखाई दिया, ये थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बताया। आप क्या करेंगे, इसका रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड में करने वाले, तो रिएक्शन जरा देख लीजिए। ये रहा मेरे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ए जी, और इसमें मैंने क्या मिला दिया, आर एक्स मिला दिया अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन सीख रहे हैं। ए जी प्लस है, एक्स माइनस है, क्या बाहर चला जाएगा, ए जी एक्स बाहर, और देखिए आंसर क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, और इससे बनने वाला कंपाउंड का नाम होता है ईस्टर। ये नंबर थर्ड रिएक्शन आपके सामने है, देख लीजिए। नंबर फोर्थ चलने वाला है आपके लिए, बहुत अच्छा रिएक्शन होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए, देख लीजिए, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन क्या है ये मैं दिखाता हूँ आपको। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि जब मैं आर एक्स लेता हूँ, इसमें मैं सोडियम अल्कोक्साइड मिलाऊंगा, क्या मिलाऊंगा, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्काइल प्लस ऑक्साइड बिकम्स अल्कोक्साइड, एन ए प्लस एक्स माइनस, एन एक्स बाहर चला गया, बोलो आंसर क्या बन गया, आर ओ आर को हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। ईथर दो टाइप का हो सकता है, एक सिंपल ईथर, एक मिक्स्ड ईथर। अगर दोनों आर सेम होंगे तो सिंपल ईथर, और दोनों आर अलग अलग होंगे तो मिक्स्ड ईथर। ईथर चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन में फोकस कर रहे हैं हम। ये सारा रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में हमें नहीं पता दिस रिएक्शन रिएटेड विद दिस फिलिंग द ब्लैंक्स, या फिर ये बनाने के लिए ये लिया तो ये क्या होगा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन देंगे आपको। और जब मैं डिस्कस करूंगा आपको जो क्वेश्चन होते हैं, तो आप देखेंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट मैं लेने वाला हूं एल्कोहलिक अमोनिया का रिएक्शन दिखाने वाला हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, एल्कोहलिक अमोनिया का रिएक्शन कैसे होगा। तो मैंने ले लिया आर एक्स, और इसमें मैंने मिला दिया एल्कोहलिक अमोनिया, एल्कोहलिक अमोनिया को मैंने थोड़ा सा ब्रेक करके ऐसे लिखा हुआ, दिखाई दे रहा है आर एस एक्स प्लस एच एन एच टू, एच प्लस है, एक्स माइनस है, एच एक्स बाहर गया, बोला आंसर क्या बन जाएगा, आर एन एच टू बाहर चला जाएगा, और ये आपको फाइनल आंसर में मिल जाएगा, जिसको हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। इस मेथड में प्राइमरी अमाइन बनाते हैं, बट एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अगर ये इसको मैं एक्सेस अमाउंट में ले लूंगा, तब यही रिएक्शन जो है मेरा टर्शरी क्वार्टरनरी तक दे देगा, मतलब कि लास्ट में क्वार्टरनरी सॉल्ट भी बनाता है, प्रोवाइडेड दैट ये एक्सेस में रहेगा। तो एमसीक्यू में देखना कि अल्काइल हैलाइड में एल्कोहलिक एनएच थ्री जो मिलाया जा रहा है वो नॉर्मल है या फिर एक्सेस अमाउंट में। अगर एक्सेस अमाउंट में होगा तो याद रखना कि इसका कन्वर्जन जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा R4NX, ये प्लस माइनस, एक्सेस अमाउंट का होगा तो ये एंड में ये प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है। ये छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करें, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी। चलो देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं नंबर फिफ्थ रिएक्शन, जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो नंबर फाइव की अगर मैं बात करूं तो होने वाला है एक्शन ऑफ ए के सी एन, याद रखना एक्शन ऑफ के सी एन पोटेशियम साइनाइड। इसका रिएक्शन करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आर एक्स ले लो और इसमें के सी एन मिला दो, तो के प्लस एक्स माइनस विल बी के एक्स बाहर जाएगा,
और आंसर बन जाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ये सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम अल्काइल साइनाइड बोलते हैं, जिसका एक और नाम होता है नाइट्रिल। तो याद रखना इसको अल्काइल साइनाइड या फिर नाइट्रिल के नाम से भी जाना जाता है, ये साइनाइड या नाइट्रिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें खास बात क्या है कि ये अल्काइल साइनाइड का अगर मैंने कभी भी एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया, ऐसा क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, अगर मैंने इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये NH3 बाहर जाता है और इसका कन्वर्जन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब ये इस तरह से बन जाएगा। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको अमाइन चैप्टर अमाइन चैप्टर में सिखाऊंगा, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको मिलेगा ये इंपैक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आपको ये रिएक्शन है कि जब आप अल्काइल साइनाइड का क्या करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस करके डायरेक्टली, तो क्या बन जाएगा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इस बात का ध्यान देना। हैलोजन डेरिवेटिव में भी आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यू में मिल सकता है, क्योंकि जब एंट्रेंस का पेपर बनता है कोई एक चैप्टर से नहीं बनता है, मिक्स होकर बनता है, तो वहां पे जो है कि स्टूडेंट्स मार्क आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है कि भाई किस तरह से हमें डील करना है, कैसे डील करना है, चलेगा। चलो बात करेंगे नंबर 6 रिएक्शन से, एक्शन ऑफ AgCN। बहुत से लोग यहाँ पे भी गड़बड़ी करते हैं, उन्हें लगता है कि AgCN और KCN का पैटर्न तो सेम होने वाला है, बट ऐसा नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं होता है। RX में जब मैं AgCN मिलाऊंगा तो जनरली KX तो बाहर जाएगा, बट यहाँ पे अटैचमेंट जो होता है वो N के थ्रू होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा NC और बाहर का चला गया AgX बाहर गया। इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे क्या होता है कि के प्लस है सी एन माइनस है, मतलब ये के प्लस बन के बाहर निकलेगा तो सी एन माइनस बनेगा और ये माइनस के पास अटैक करता है, एकदम क्लियर है यहाँ पे सी एन के अटैक। लेकिन यहाँ पे जब ए जी प्लस और एक्स बाहर जाएंगे तो ए जी और सी एन के बीच में ना कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे क्या था आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि ये माइनस नहीं बनेगा बल्कि इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो इस एन के पास भी है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो सी के कंपेयर में ये एन क्या होगा अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने दम पे बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए ये N क्या होगा किस R से अटैक करता है। तो ये आइसोसाइनाइड क्यों बनता है? तो याद रखेंगे क्योंकि AgCN में Ag और C के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है जो तोड़ने पर आयनिक नेचर नहीं बनता है, कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है, और N के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर में, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए N क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन R के साथ देके बॉन्ड बना देगा। ये सारी चीजें इसके अंदर थी, तो ये एक्शन ऑफ AgCN के अंदर आप पढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी? चलो नंबर 7 देख लेते हैं, ये भी अपने आप में काफी अच्छा है। एक्शन ऑफ KNO2, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। KNO2 का मतलब क्या हो गया? पोटेशियम नाइट्राइड में ले रहा हूँ, क्या करेंगे RX लिया मैंने और इसमें मैंने KNO2 मिला दिया, जब इसको मिलाएंगे तो KX बाहर जाएगा। यहाँ पे वही सेम सीन है कि जब KX बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे जो अटैचमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा? इस O के थ्रू होगा, क्योंकि इसको अगर तोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा, ध्यान देना। बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं सर ये कैसे हो गया, देखो ये इस तरह से दिखता है। तो जब KX बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली ये O का नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस R के पास अटैक करेगा, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा RON फिर डबल बॉन्ड O। जरा चेक कर लो एक बार, अच्छे से चेक कर लीजिए, ये वाला O इसके पास अटैक कर दे तो इसकी वजह से पूरी हुई RON डबल बॉन्ड O। इसको हम बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइड। बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे हुआ, मैंने आपको दिखा दिया कैसे हुआ। अल्काइल नाइट्राइड नंबर 8 जो होता है इसी का रिवर्स आता है, एक्शन ऑफ AgNO2। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि जब Ag होता तो अटैचमेंट किसके थ्रू होता है? N के थ्रू होता है। यहाँ पर भी Ag का अटैचमेंट किसके थ्रू होगा? इस N के थ्रू होगा, और यही लॉजिक है कि जब आप RX में AgNO2 मिलाते हैं तो फिर ये AgX बाहर जाता है और आंसर क्या बन जाता है? RNO2 बन जाता है, समझ में आया? जिसका नाम होता है यहाँ पे नाइट्रो अल्केन। ये दोनों में बहुत फर्क है, नाइट्रो अल्केन और अल्काइल नाइट्राइड में बहुत फर्क है, देख लीजिए जल्दी से। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। एकलव्य बैच के बच्चे आप याद रखें कि लेक्चर में आपको पहले बोला कि आपको मिलते रहेंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस इस चैनल को इस वीडियो को आप शेयर कीजिए मैक्सिमम। थोड़ी आवाजों में तकलीफ हो सकती है, एक्सटर्नल साउंड थोड़ा सा आपको अफेक्ट कर सकता है, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ टीचिंग क्वालिटी में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, कोई भी कंटेंट आपको इनकम्प्लीट नहीं दूंगा, हर एक चीज आपको वेल प्रिपेयर्ड मिलने वाली है, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए एकदम, बस हर एक वीडियो जो आपके लिए दिया जा रहा है उसको एकदम अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि जब मैं MCQ सेशन लेकर आऊंगा तो वहां पे मुझे आपसे आंसर ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा ज्यादा आपका राइट होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम राइट होना चाहिए, क्योंकि अब ये ऑर्गेनिक का डील कर रहा हूं मैं, और ऑर्गेनिक के कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि जब रिएक्शन जो हम पढ़ाते हैं और जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं या फिर जो एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो एकदम अजीबोगरीब आते हैं। भाई सर ने तो आर के फॉर्म में रिएक्शन बताया बट एंट्रेंस में इस आर के जगह कौन सा अल्काइल लेगा हमें भी नहीं पता, इसलिए आप यहाँ पे बहुत सारा अल्काइल लेके भी एग्जांपल दिखा के कोई मतलब नहीं होता है। आप समझ रहे हैं, बोर्ड में तो फिक्स होता है कि इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल 3-4 आते हैं फिक्स है, बट एंट्रेंस में ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस का अलग अलग बोलते हैं अल्काइल लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि भाई
इन चीजों को करने पे ये बनता है। अब अल्काइल जैसा लेंगे वैसा हमें आंसर मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आ रहा है समझ में? तो चलो जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए जो लोग कर रहे हैं और बढ़ते हैं अगले कंटेंट। चलिए तो जो हमारा ये कंसेप्ट नंबर जो हमने अभी भी सीखा 7 नंबर 6 नंबर जो भी हमने देखा लास्ट में AgCN के थ्रू, ठीक है, AgCN के बाद हमने KNO2 सीखा, बाद में AgNO2 सीखा, ये कंसेप्ट जो थे हमारे सबके सब अच्छे खासे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पार्ट थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में कि भाई कोई भी एक रिएक्शन देंगे इसमें से और बोलेंगे ये किस तरह का रिएक्शन दिखा रहा है, तो आप टिक मार्क करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हर एक पार्ट में कोई एक माइनस बाहर जाता है और उसकी जगह पे कोई दूसरा माइनस क्या करता है, जगह ले लेता है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम आगे अगले लेक्चर में सीखेंगे SN1 SN2 मैकेनिज्म, जहां पे S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर या फिर बायोमोलिकुलर रिएक्शन, 2 के लिए बायोमोलिकुलर 1 के लिए यूनिमोलिकुलर। तो हम अगले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा मैं, ठीक है आपके लिए। अभी मैं बात करने वाला हूं मेरा जो नेक्स्ट रिएक्शन आने वाला है, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एडिशन के अंदर जो पार्ट था पूरा मैंने खत्म किया, अब एलिमिनेशन की बात होने वाली। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, क्या खास बात है एलिमिनेशन में, चलो दिखाता हूं। तो रिएक्शन नंबर 1, इस 8 रेशियो में मैं स्पेसिफाई कर देता हूं कि मैं एलिमिनेशन के थ्रू जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो हमेशा याद रखना कि अल्कीन ही बनता है, ये श्योर है कि आपको अल्कीन ही मिलेगा जब भी आप एलिमिनेशन करेंगे अल्काइल हैलाइड का, तो उसमें अल्कीन ही बनने वाला है। और इस प्रोसेस को बहुत जगह पे डी हाइड्रोहैलोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा इसका नाम डी हाइड्रोहैलोजिनेशन क्यों पड़ता है। ध्यान दीजिए, अगर मैंने ले लिया एग्जांपल के लिए कि CH3, CH2 और Br ले लिया है और इसमें मैंने मिला दिया KOH, तो बहुत से लोग गड़बड़ी करेंगे, बोलेंगे सर ये तो आपने अभी अभी सिखाया था, यहाँ पे KBr बाहर जाएगा आंसर बनेगा अल्कोहल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके नेचर की तरफ देखो, इसका जो नेचर है ना इस बार अल्कोहलिक स्पेसिफाई करके आया हुआ है। अगर अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अल्कोहलिक NaOH, अगर ऐसा वर्ड आ गया अल्कोहलिक अल्कलाइन ऐसा वर्ड आ गया, तो बिना सोचे समझे आप सीधा अल्किन बना देना, अल्किन बनेगा। अल्किन बनने का पैटर्न क्या होता है, फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन को अटैच होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, उसके बाद वाले को हम बीटा बोलेंगे। तो अल्फा से फंक्शन ग्रुप बाहर जाता है, KBr बाहर चला गया, और बीटा से AH बाहर जाएगा, तो यहाँ से AH, यहाँ से OH बाहर चला गया, तो आंसर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। सबको समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? तो KBr बाहर चला गया और यहाँ से H2O बाहर चला जाता है। इसको डी मतलब रिमूवल होता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब एक्स, आप देख सकते हो यहाँ से एक्स मतलब Br और हैलोजन हाइड्रोजन दोनों बाहर जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है डी हाइड्रोहैलोजिनेशन। चीजें एकदम क्लियर हो रही है? अब जरा देखो सेकंड वाला एग्जांपल देख लो, अगर मैंने कार्बन का नंबर बढ़ा दिया तो क्या होने वाला है, CH3 CH2 CH2 Br, इसमें मैंने ले लिया NaOH लेकिन अल्कोहलिक सॉल्यूशन का लिया है मैंने, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये अल्फा होगा ये बीटा होगा, अल्फा से फंक्शन ग्रुप बाहर जाता है, बीटा से H बाहर जाएगा, तो इस बार जो आंसर बनेगा मेरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आंसर बन जाएगा NaBr और यहाँ से H2 बाहर, इसे आप देख के बता सकते हैं कि ये प्रोपीन बना हुआ है, कोई डाउट है किसी को? नंबर थर्ड देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल अब बढ़ता चला जाएगा, CH3 CHBr CH2 CH3 आपने मिला दिया KOH अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप के बाजू वाले को फंक्शन ग्रुप जिसको अटैच होगा उसको अल्फा, उसके बाद जो लोगों को बीटा, तो यहाँ पे दो बीटा मिलेंगे, दिखाई दे रहा है? ये सब आपको जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव चैप्टर है उसमें बोर्ड में आपने सीखा हुआ है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि भाई कौन से कैसे जा रहा है, एंट्रेंस से डील कर रहे हैं आप लोग, मैक्सिमम पोर्शन कवर करना है कम टाइम में चलेगा, और इसके बेसिस पे MCQ आपको सॉल्व करना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको बोर्ड का क्वेश्चन करना है, यहाँ पे बोर्ड का क्वेश्चन नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना, आपको इसका कोई थ्योरी नहीं लिखना है। अब क्या होगा, अल्फा से फंक्शन ग्रुप मतलब मान के चलो यहाँ से KBr बाहर चला गया और बीटा से H मतलब यहाँ से HOH पानी बाहर चला गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब एक आंसर है मेरा डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH CH2 CH3। अगर वही चीज मैं यहाँ से लेता हूँ, KBr यहाँ से बाहर गया और यहाँ से H यहाँ से OH चला गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, मतलब मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि इस बार डबल बॉन्ड जो है अलग अलग पोजिशन पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दो अलग अलग कंपाउंड है दोनों अलग अलग पोजिशन है, तो इसका मतलब कि पहले का जो नाम आया हुआ जाएगा Bu-1-in-1 नंबर पे है और दूसरे का जो नाम आएगा वो आएगा Bu-2-in। अब आपको मैं एक रूल बता दे रहा हूँ कि कौन सा अल्किन स्टेबल होता है, ये जरा ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि मैं सिखा ये भले ही रहा हूँ लेकिन ऐसे बड़े कंपाउंड आएंगे और आपको देखना है कि कौन सा अल्किन स्टेबल हो रहा है, वही आपका क्या होगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो जो स्टेबल होता है वो मेजर बनता है, आपको मैं बता दूं ये मेजर बनेगा,
क्योंकि ब्यूटाइल डैश 2 डैश इन स्टेबल हो रहा है और ये अनस्टेबल या कम स्टेबल हो रहा है। क्यों स्टेबल हो रहा है कैसे पता चलेगा, चलो आपको नोट दिखा देता हूं मैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जब कभी भी कोई भी अल्किन आप लेंगे तो अल्किन का जो डबल बॉन्ड है उसको देख लो पहले और उस कार्बन का वैलेंसी पूरा कर लो। देख लो ये इस तरह से होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बॉक्स में डालो और उसके बाजू वाले को ऑब्जर्व करना शुरू करो, इसके बाजू में कौन अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट है, इसके बाजू में कौन है, ये अटैचमेंट है, उसके पास कितना हाइड्रोजन है, आप बोलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि फंक्शन ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू को अल्फा बोलेंगे, तो मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी ये अल्फा हो गया, अल्फा कितना है 2, कितने अल्फा हो गए टोटल मिला के, आप बोलेंगे सर 5 अल्फा हो गए, वेरी गुड। अगर ऐसा ही कंपाउंड मैं इस तरह से ले लूँ CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को मैंने बॉक्स में डाल दिया, अब बताओ अल्फा कितना आया, तो आप बोलेंगे सर सिर्फ 2 अल्फा आ रहा है। अब बताओ किसके पास ज़्यादा अल्फा मिला, जिसके पास ज़्यादा अल्फा मिलेगा उसी को हम बोलते हैं मेजर है, और वो चीज़ तुम यहाँ पे देख सकते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 अल्फा 3 अल्फा मिल गए 6 अल्फा, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सिर्फ 2 अल्फा 2 अल्फा और 6 अल्फा में 6 अल्फा ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट माना जाता है, क्लियर है। दूसरा एक रूल है आपके लिए जो सिलेबस का रूल है, सेटजेफ रूल, सेटजेफ इज अ केमिस्ट, तो उसने क्या बोला था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस में जिसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा वो मेजर होगा, जैसे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास देखिए एक अल्काइल यहाँ पे है, एक अल्काइल यहाँ पे, तो 2 अल्काइल हो गया, तो ये कंपाउंड मेजर बन गया, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सिर्फ एक ही अल्काइल है तो ये माइनर बन जाएगा। ये भी एक रूल है पहचानने का, अल्फा आपको हाइड्रोजन देखने का भी तरीका है, प्लस सेटजेफ रूल से भी आप चेक कर सकते हो कौन मेजर और कौन माइनर बन रहा है। कोई डाउट है किसी को, देख लीजिए जल्दी से फटाफट समझा दीजिए। चलो तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट कंटेंट, चलिए तो शुरू करते हैं नेक्स्ट कंटेंट जो होने वाला है एग्जांपल नंबर 4 उसी टाइप का, और अंदाजा लगाइए आप कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे मैंने ले लिया है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ध्यान दीजिए CH3 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 Br, और इसमें मैंने मिला दिया KOH, बट मैंने जो नेचर लिया हुआ है एल्कोहलिक लिया हुआ है, तो आपको पता है कि ये अल्फा होगा, अब यहाँ पे 3 बीटा आ रहे हैं, 2 3 आप देख सकते हो, ये अल्फा क्योंकि फंक्शन ग्रुप उसी के ऊपर अटैच है, उससे बाद वाले को बीटा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, किसी एक बीटा से एच निकालो, जहाँ से एच निकालेंगे वहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ से निकालेंगे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आएगा, आपको नहीं लग रहा कि तीनों कंपाउंड कहीं ना कहीं एक ही बनने वाले, कहीं से भी निकालो बट तीनों कंपाउंड का जो पोजिशन होगा पैटर्न होगा वो एक ही जैसा होगा। तो मान के चलो कि मैंने ऊपर वाले से एच निकाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, अगर मैं यहाँ से एच नहीं निकालता यहाँ से निकालता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसोब्यूटिलीन, क्या बोलते हैं आइसोब्यूटिलीन, याद रखो इसका नाम है आइसोब्यूटिलीन, बाहर का जाएगा तो आप बोलेंगे KBr और H2O बाहर चला गया। कोई डाउट है तो एलिमिनेशन जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म हो चुका है, आपका दिमाग चलना चाहिए कि मैंने कैसे किया एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन कहीं ना कहीं आपको बड़े कंपाउंड के थ्रू भी आ सकता है कि भाई कोई बड़ा कंपाउंड देंगे और बोलेंगे इसमें एलिमिनेशन हो रहा है तो बताओ कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन जब हम एंट्रेंस में लेंगे, जनरली जब हम MCQ सेशन में लेंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, प्रेशर डालना है अपने कॉन्सेप्ट के लिए कि क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या आपको अल्फा बीटा से एच और बी आर निकालने आ रहा है, क्या आप अल्किन बता पाएंगे, क्या आप मेजर अल्किन बना पाएंगे, वो आपके लिए सबसे जरूरी होने वाला है, चलेगा। तो बढ़ते हैं नए कंटेंट की तरफ और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो अब आने वाला है नंबर 9 रिएक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ एडिशन हो रहा है, तो इसके अंदर भी मैं ले लेता हूँ नंबर ए, इसमें मैं ले लेता हूँ एक्शन ऑफ मेटल्स, एडिशन में हम एक्शन ऑफ मेटल्स ले रहे हैं, मतलब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और जो बोलते हैं ना कि वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन इसके अंदर आने वाले हैं। तो मान के चलो कि जो 9 थे उसमें ए मैं ले रहा हूँ वर्ड्स रिएक्शन, अब ये वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ, आपको बता दूँ वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है, बहुत ईजी है, इसमें हम एक्शन ऑफ सोडियम लेते हैं, एक्शन ऑफ सोडियम, ध्यान दीजिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो जब मैं RX लेता हूँ अल्काइल हैलाइड और इसमें मैंने सोडियम मिला दिया, तो याद रखना ये वर्ड्स कपलिंग होता है, कपलिंग का मतलब एक ही चीज़ को दोबारा मिलाना है, तो मुझे RX को दोबारा मिलाना है, सिंपल एकदम। और ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब Na प्लस है X माइनस है तो NaX बाहर चला गया, और यहाँ पे X 2 है तो Na को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो अब बताओ क्या बचा, आप बोलेंगे RR बच गया, RR इज अल्केन, कुछ और नहीं बचे, डरो मत, RR को हम अल्केन बोलते हैं, दैट इज हायर अल्केन। तो अल्काइल हैलाइड में जब मैं सोडियम मिलाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें हायर अल्केन मिलेगा। तो एक चीज और याद रखना कि जब कभी भी आ गया इथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम, बिना सोचे समझे इथाइल क्लोराइड है ना बच्चे, मतलब इथाइल क्लोराइड का मतलब एक अल्काइल क्लोराइड है, लेकिन उसका आंसर क्या बनेगा, डबल आर, मतलब इथाइल का डबल ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल ब्यूटाइल मतलब इथाइल इथाइल बिकम्स ब्यूटेन, तो वहां पे ब्यूटाइल ब्यूटाइल बिकम्स ब्यूटेन, सॉरी इथाइल इथाइल बिकम्स ब्यूटेन, समझ में आ रहा है, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, आप कंफ्यूज होंगे तो
C2H5Cl आएगा फॉर एग्जांपल, और इसमें Na मिलाया, फिर वही चीज़ आप दोबारा मिलाएंगे C2H5Cl ड्राई इथर के प्रेजेंस में। बोलो आंसर क्या बन जाएगा, दो से मल्टीप्लाई कर 2NaCl बाहर चला गया, C2H5 बोलो क्या बन जाएगा, C4H10। कुछ जा रहा है बच्चे दिमाग में, C4H10 इज अ ब्यूटेन। तो आपको एक अंदाजा हो गया रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि वर्ड्स रिएक्शन में जब कभी भी आप कोई अल्काइल लेंगे तो आंसर आपका जो अल्केन बनेगा उसका डबल बनता है। सिंपल है, एंट्रेंस से डील करो भाई, बोर्ड के पीछे भागो मत। सिंपल क्या समझना है कि वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन में वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन सब एक ही नाम है, ठीक है। उस रिएक्शन में जब आप अल्काइल हैलाइड लेंगे तो उसका डबल होगा आपके आंसर में, यही इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। क्लियर है सबको, एकदम चीजें क्लियर है, देख लीजिए जल्दी से चलेगा। चलो अगर मैंने ये दोनों अल्काइल को अलग अलग ले लिया, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अल्काइल अलग अलग हो जाए। एग्जांपल नंबर वन है, मान लो मैंने एग्जांपल नंबर टू ले लिया, ध्यान देना जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है। CH3Br ले लिया मैंने, सोडियम ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया C2H5Br, ठीक है। मैंने दोनों अल्काइल इस बार अलग अलग लिया हुआ है, कुछ और नहीं किया मैंने, जो उल्टा करके लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस बार इसको इस तरह से ले लिया C2H5Br, सेम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। चलो दिमाग चलाओ जरा, कैसे होगा दिमाग चलाओ। आप बोलेंगे सर NaBr बाहर जाएगा, नो डाउट ये तो बाहर जाने वाला ही है, बट याद रखना कि पहले क्या होता है कि इसका खुद का सेल्फ कपलिंग होता है। सेल्फ कपलिंग मतलब CH3Br Na से रिएक्ट करता है और ये अपने आप को डबल कर लेता है, मतलब कि C2H6 कर लेगा, वैसा ही ये भी अपने आप को कपलिंग करेगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कपलिंग। ये बना लेगा C4H10, जो कि दोनों मेजर बनेंगे क्योंकि ये सबसे पहले होते हैं। ये भी मेजर बन गया, ये भी मेजर बन गया। अब उसके बाद बचा हुआ मॉलिक्यूल जो होगा वो आपस में रिएक्ट करेगा, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाएगा C3H8, जो कि अपने आप में माइनर बनेगा। बोलो पूरा लॉजिक समझ में आया कैसे हो रहा है। अब इसमें क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन में कौन सा अल्केन नहीं बना सकते, हम बिल्कुल नहीं बना सकते, तो इसका आंसर होगा मीथेन। मीथेन इज अ अल्केन विच वी कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय वर्ड्स रिएक्शन। इस बात को सेट कर लो माइंड में, MCQ का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन से कौन सा अल्केन नहीं बना सकते, आंसर लिखेंगे मीथेन नहीं बना सकते, चलेगा। यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से, तो यहाँ का जो 9 है एडिशन एक्शन ऑफ मेटल्स यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके बाद मैं नंबर 9 के अंदर बी लेकर आऊंगा, जो होने वाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चलेगा। पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए अच्छे से, सेट है सब कुछ। चलो तो चालू करते हैं नंबर 9 का बी वाला पार्ट। चलिए तो शुरू करते हैं 9 का बी, दैट इज एक्शन ऑफ मेटल एडिशन रिएक्शन का बी वाला पार्ट, जो होने वाला है एक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल। तो देख लेते हैं कि जब मैं एक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल लेता हूं तो क्या होता है, एक्शन ऑफ Mg लेने पर क्या होता है। बहुत इजी रिएक्शन है, मैंने ले लिया Rx और इसमें मैंने मिला दिया Mg, ये भी रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब जैसे ये Mg मिलेगा तो Mg के वैलेंसी दो होती है, और Mg जो होता है दोनों बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट भी और आयनिक भी, इसी वजह से Mg जो होता है वो R और X के बीच में आके दोनों बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ध्यान देना इस बात को, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसका एक और नाम हो जाता है हमारे लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, क्लियर है। RMgX इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी खास बात क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में दोनों बॉन्ड रहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड भी रहेगा और आयनिक बॉन्ड भी रहेगा। तो ये जो होता है अपने आप में ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो कभी किसी ने पूछा कि ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड कौन होता है, तो आप टिक मार्क करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फॉर्मूले में अगर टिक मार्क करना हो तो RMgX को टिक मार्क करेंगे, चलेगा। अब क्वेश्चन की सर ये ड्राई ईथर यूज क्यों करते हैं, क्योंकि RMgX जब कभी भी किसी एक्वस सॉल्यूशन मतलब किसी लिक्विड वाले पार्ट से रिएक्ट करता है तो हमेशा अल्केन बना देता है। देख लीजिए, अगर RMgX में आपने ड्राई ईथर नहीं लिया और कोई पानी ले लिया या अल्कोहल ले लिया, अमाइन ले लिया जिसमें H रहेगा, तो होता क्या है कि MgX और यहां से OH बाहर निकल जाएगा, मतलब ये Mg के ऊपर X और ये OH बाहर, और आंसर हमारा बन जाता है R-H, that is called as alkane। तो alkane का formation रोकने के लिए हमने क्या लिया है, ऊपर condition पे dry ether लिया हुआ है। ये भी MCQ का बहुत अच्छा question होता है अपने आप में, ठीक है, कोई doubt है किसी को कहीं पर भी। तो ये जो हमारा chemical reaction था halogen alkane का, या फिर बोल सकते हो halogen derivative में जो halo alkane था, वो मैंने खत्म किया। किसी को कोई doubt होगा तो comment box में जरूर लिखिए। देखिए बहुत simple सा चीज मैं बता रहा हूँ, क्वालिटी से तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, कुछ टेक्निकल चीजें होती है जो मेरे कंट्रोल में नहीं होती, मैं ट्राई करता हूँ भाई कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल साउंड हो गया, ठीक है, कैमरे की क्वालिटी मैंने थोड़ा बहुत इंप्रूव किया हुआ है, और ट्राई कर रहा हूँ कुछ नया जो होता है अपडेट लेकर आऊँ मैं आपके लिए, अच्छे से थोड़े और चीजें मैं यूज करूँ ताकि आपको जो क्वालिटी है वो और अच्छी मिले। बट अगर आपको बाहर की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, इरिटेट हो रहा है, तो आप अपने वॉल्यूम को थोड़ा कम कीजिए, हेडफोन यूज कीजिए, और आपको
क्लियर आवाज आएगी, क्लियर आवाज आएगी। ये मैंने पर्सनली चेक किया हुआ है, इसलिए मैंने इस प्रोसेस में कंटिन्यू करो बनाने के लिए, ताकि आपका लेक्चर रुकने ना पाए। बाकी जो मैं बाहर से जो चीजें करना चाहता हूँ वो मैं साइड बाय साइड ट्राई कर रहा हूँ, चीजें रिड्यूस करने के लिए, बाहर का जो साउंड है वो कम कर दूँ, कैमरे की क्वालिटी बढ़ा दूँ, ये सब चीजें पे हम काम कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें भी, ठीक है। और अगर मैं टाइम लेने लगूंगा और वीडियो शूट नहीं करूंगा तो शायद पोर्शन हमारा जाएगी पीछे रह जाएगा। इसीलिए मुझे आप लोग का सिर्फ और सिर्फ साथ चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ में। अगला लेक्चर इस चैप्टर का मोस्ट प्रॉब्ली मैं लास्ट लेक्चर रखूंगा, जिसमें हम SN1 SN2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ थ्योरी इन्फॉर्मेशन है लाइक जो कि बीच में दिया टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैं उसको पीछे डालना चाहता हूँ, ठीक है। लाइक ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, रेसमाइजेशन क्या होता है, ठीक है, डेस्कटॉप किसको बोलते हैं, लाइव वेव किसको बोलते हैं, और हैलोजन डेरिवेटिव जो होता है उसके अंदर हेलो अरिन भी आता है, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मैं ट्राई करूंगा रखने के लिए, चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ में, तब तक आप बहुत सारी स्टडी कीजिए।